अस्सलामुअलैकुम गार्डनिंग लवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज मैं देख रही थी गार्डन की तरफ, तो ये दोनों मेरे ख़्याल में कौवा है और कौवे का शायद बच्चा है, तो वो उसको कोशिश कर रहा है ना कि उड़े, उड़ना सिखा रहा है। तो माँ बाप देखें कितनी कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए। और मेरे ख़्याल में तो मुझे ये छोटा सा लग रहा है और कोशिश करने में है कि उड़े। तो दोनों कब तक यहाँ बैठे रहते हैं कुछ पता नहीं है। और एक और देखें, कौवा आ गया है यहाँ पर हमारे पास, कबूतर, कौवे, पीछे भी शायद कौवा है या कबूतर आके बैठा है, नहीं कोई और परिंदा है या नहीं कौवा है। तो इसी तरह ये बारिश के बाद परिंदे आते रहते हैं। और छोटा है वो बेचारा, उड़ नहीं पा रहा, तो वो उसे कोशिश में है कि वो उसको उड़ाए। और हमारा पाकिस्तान का फ्लैग देखें, लहरा रहा है और मज़े से झूम रहा है। तो बादल भी देखें, बादल तो जा ही नहीं रहे और अभी फिर लग रहा है कि बरसेंगे। और माशाल्लाह देखें, गार्डन का जो दरख्त है हमारे, वो बहुत ऊंचाई पे चले गए। कभी कभी लगता है दरख्तों को देखते देखते कि हम शायद मानसेरा वगैरह में आ गए। तो मानसेरा में भी इसी तरह के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं ना, हरियाली होती है। और आजकल तो कराची का मौसम बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे इस्लामाबाद हो, बहुत अच्छा हरा भरा। लाहौर साइड का, इनकी कराची कराची नहीं लग रहा और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन रोड इस तरह के हो गए हैं कि हम चलते हैं तो लगता है किसी कश्ती में बैठे या किसी ऊँट पे बैठे हुए। तो बस ये हाल है। अब ये बेचारा अकेला रह गया है, इसकी अम्मी या अब्बू थे वो तो उड़ गया। अब देखते हैं ये कब उड़ता है और अपनी उड़ान भरता है कि नहीं, या नीचे उड़ गिर जाता है ये। अगर नीचे गिर गया तो फिर बहुत मुश्किल से उड़ता है ना। तो अक्सर माय गार्डन में आके कभी कबूतर कभी कुछ उड़ गया, वाह भाई ज़बरदस्त, चले गया भाई चले गया। तो ये देखिए, ये कोशिश होती है लाइफ की। इसी तरह इंसान भी है कि हम लोग कोशिश करते हैं हर तरह की और कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। कोशिश करते रहना चाहिए, तो जैसे हम करते रहते हैं अपने गार्डन को सही करने की। माली था, माली को हमने हटा दिया। हाँ, अभी देखें वो सामने एक फूल निकल रहा है, हिबिस्कस, हिबिस्कस का है। और अंदर ही अंदर छुपा छुपा निकला है, बड़ा सा निकलता है, ये बहुत बड़ा होता है। तो उधर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि मकड़ियाँ और घास थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो मैं इसलिए नहीं जा रही उधर कि वहाँ मैंने दरख्त काटा था हमने, तो दरख्त जो था ना वो हमारा, हमने फेंका नहीं उस दरख्त को। ये देखें लकड़ियाँ दिख रही हैं ना आपको, तो ये लकड़ियाँ जो है ना मैंने ऊपर यहाँ रखी थी, बारिश की वजह से थोड़ी बहुत नीचे गिर गई हैं। जाऊँगी जब मेरे साथ अभी कोई होगा तो फिर मैं जाती हूँ आगे तक, ताकि मुझ पर कोई चीज़ चढ़े, मैं भागूँ तो बचा ले कोई मुझे। तो ये होता है। और प्लांट भी झुक गए, वो प्लांट देखे ना नीचे गिरा हुआ है, वो है दिन का राजा या रात की रानी, तो उन पे गिर गया है। और मैंने बिल्लियों के लिए ये जो चेयर दिख रही है आपको रेड रेड अंदर, ये चेयर और एक टेबल रखा था उसके नीचे बिल्लियाँ बैठ जाए, लेकिन वो अब जा चुकी हैं यहाँ से क्योंकि मैंने उन्हें छुड़वा दिया है। वो बहुत ख़राब करती थी बिल्लियाँ, मुझे पसंद है, मासूम होती हैं लेकिन गड़बड़ भी बहुत मचाती हैं, क्या करें, बड़ी हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो इन्हें छुड़वा देते हैं।
और फिर हमने उन्हें छुड़वा दिया। तो यूँ मेरा गार्डन जो है मैंने एक बार सही किया। उसके बाद फिर आंधी जैसी अभी हुई थी, बहुत तेज़ बारिश आई थी कराची में लास्ट मंडे ट्यूसडे या ऐसी इसी इन्हीं डेज़ में लास्ट वीक में, तो उसमें हमारी घास मज़ीद और बड़ी हो गई, ग्रास और प्लांट जो थे वो सारे जो थे ना वो बस इसी तरह चल रहा है। और अब देखिए ना पत्ते पीले हो के झड़ने लगेंगे, ये देखें चेयर पे पत्ते नीचे गिरे हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये सूखे पत्ते। आपको अच्छे लगते हो या नहीं ये नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ये सूखे पत्ते मुझे बहुत पसंद हैं। और बहुत सारे हों और हवा चल रही हो फिर उड़ के जाते हैं आगे पीछे, तो इनकी आवाज़ ये सुनसान सा सॉरी जगह पे जो इसकी आवाज़ आती है वो बहुत अच्छा लगता है, दरख्तों की आवाज़। आप कभी लाइफ इंजॉय करें और सुनें कि जब हवा चल रही होती है, दरख्त झूम रहे होते हैं, हवा चल रही होती है, उसमें भी एक खनक होती है, एक थोड़ा सा साज होता है, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। अभी यहाँ परिंदे आए नहीं, आएंगे तो बहुत शोर मचाते, अपनी तरह तरह की लैंग्वेज से वो बोलना शुरू कर देते हैं, गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो अभी ये देखें हमारा ये जो बटरफ्लाई पी यहाँ से शुरू हुआ, ये देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है, तो छोटा सा ब्लू कलर ऊपर जो है ऑरेंज कलर के हैं हमारे, और ये भी मोर पंख या पंख मोर कहलाता है उसका है रेड वाला। तो ये बटरफ्लाई पी जो है वो देखें कहाँ तक जा रही है, ये देखें ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें किसी के घर में जा रही है, ये इनका घर है, इन्होंने ग्रिल लगाई हुई है उसमें उसको पूरा कवर कर दिया है और बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। एक थी इसमें सिर्फ एक शाख निकली हुई थी, मैंने उसको बहुत संभाल के रखा और मैं सोचती थी कि ये टूट ना जाए, बार बार मैं उठा के उसको रखती थी, और वो गमले में ही लगी हुई थी, छोटा सा गमला था मेरे ख्याल में 6 इंच वाला होगा, तो उसको उसने नीचे से निकल के ना ज़मीन में चली गई और ज़मीन में जाके उसने अपनी ग्रोथ बढ़ा ली, और गमला मैंने वहीं छोड़ दिया, फिर मैंने अगर तोड़ के बाद में निकालूंगी। तो अभी देखें ये पता है इनके घर के अंदर गई है, तो ये देखें पपीते से भी ऊपर चली गई है, वो जा रही है ये देखें ऊपर जा रही है। तो यहाँ भी रिहायशी आ गए हैं किराए पर, तो ये ऊपर तक जाएगी और यहाँ पे मज़ीद अच्छा हमारा गार्डन लगेगा, और एक हमारी बटरफ्लाई पी जो है वो अंदर लगी हुई है, तो हम इसको भी ऊपर चढ़ाएंगे आज इंशाल्लाह, हम डोरी बांध देंगे ये ऊपर तक चली जाएगी, और फिर जो है ना और हमारे इस साइड पे भी है, और हमने अभी कटिंग की है इस साइड की, ये सब कटिंग की थी ना, तो ये कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, तो अभी हमारा जो है ना कचरा उठाने वाला आएगा, कुछ तो मैं कचरा दबा देती हूँ ज़मीन में ना, तो ये इस साइड पे मैं दबाती हूँ, ये साइड मेरी है ना, तो यहाँ इस साइड पे खोद के ना लंबा लंबा पहले से मैंने इसमें यहाँ पे कंपोस्ट बनाने के लिए डाला हुआ है, तो इस साइड पे मैं सोच रही हूँ इसको डालूँ या नहीं डालूँ, अभी नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें कुछ इंसेक्ट्स भी हैं, तो इस तरह की चीज़ें हों तो फिर मैंने सोचा इसको फेंक देने ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें और चीज़ें भी हैं तो डंडियाँ भी हैं, मैं चाह रही थी। और ये किसी का हमारे घर में ऊपर से ये एक पतीला है किसी का, तो ये बर्तन जो है ना पॉट किसी का ऊपर से गिर गया था और वो अभी तक लेने नहीं आए, तो ये जो है मैंने इधर रखा हुआ है कि देखेंगे तो आके ले जाएंगे, लेकिन पता ही नहीं, ये इन साइड वाले घरों में से जिसमें बेल चढ़ रही है ना ये जो ऊपर जा रही है, इनमें से किसी का यहाँ पपीते के दर्द के नीचे आके गिरा था, तो अभी तक कोई आया नहीं, और मैंने इधर सामने रख दिया कि जिसका होगा आके ले जाएगा। और ये जो है ये हमारी बाइक का कवर है माशाल्लाह, दरख्त के नीचे पत्तों में पड़ा है,
और वो जो कुर्सी रखी है उस पर भी मेरे दरख्त जो काटा था उसकी डंडियाँ रखी हुई हैं। और ये देखें, ये सब जो है ना, ये है हमारे फालसे का दरख्त। फालसे का जो मतलब झाड़ी बोलते हैं, दरख्त तो नहीं बोल सकते, प्लांट ही एक तरह से, क्योंकि दरख्त तो बनता नहीं है, इसकी भी कटिंग करना है। बहुत बड़ा हो गया ये देखिए। तो लाइट अभी मैंने बंद नहीं की है, अभी करते हैं लाइट बंद। और इस तरफ भी हमारा जो है ना, ये लगे हुए हैं प्लांट्स। तो बस अभी धूप निकले, मैंने पानी नहीं डाला लास्ट वीक से, अभी तक मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि जब तक अच्छा खुश्क नहीं हो जाएगा, पत्ते लटकने ना लगे आपके, तो जब तक आपने पानी नहीं डाला, जो मिट्टी का सरफेस होता है, जब तक वो खुश्क ना हो जाए तब तक आपने पानी नहीं डालना। आप पौधों को देखिए, अगर पौधे लटक रहे हैं या लग रहा है कि उनको पानी की ज़रूरत है तो फिर आप डालें, वरना नहीं डालें, क्योंकि जड़ें बड़ी नाजुक होती हैं, ज़्यादा पानी से गल जाएंगी। और पानी अभी इतना है ना मिट्टी में कि आप अभी ना डालें। अगर आपने ज़मीन में लगाए प्लांट्स तो, और अगर आपने पॉट में लगाए तो भी आप रोज़ देखें अपने प्लांट्स को कि वो पॉट में जो है पानी की ज़रूरत है या नहीं है। अब ये देखें लार्जेस्टोमिया, ये लार्जेस्टोमिया का स्टोमिया, तो इसका जो प्लांट था वो मैंने कल इसकी यहाँ से सफाई की है। ये देखें गुडी भी की इसकी मैंने, और इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं। तो इस टाइम इसकी बहुत सूख गई थी, वो सूखी सूखी मैंने निकाल दी और कुटाई की इसकी। और इसको ये देखें अभी थोड़ा थोड़ा अभी है, बुशी बन जाएगा। ऊपर से भी कटिंग की, बहुत ऊपर हो रहा था, शाखें जल गई थी इसकी। तो ये बहुत नाजुक होती हैं, इसकी शाखें बड़ी नाजुक होती हैं, तो मैंने इसको कटिंग कर दिया, प्रून कर दिया है। तो अभी ये घना हो जाएगा, धूप लगेगी ना तो अच्छा हो जाएगा। और MX ट्री एक होता है वो, ये भी मेरे पास है, तो मैंने इसको कुछ नहीं किया अभी, अभी इसको भी सही करना है। एक एक करके करती हूँ, दो दो प्लांट करती हूँ। थोड़ा सा मेरा इस साइड में भी है, राइट साइड पे, वो दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखिए, ये हमारी एक बेल है, इसको भी मैंने जो है ना यहाँ ऊपर चढ़ाने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। ये दो तीन बेलें थी जो एक साथ लगी हुई थी, तो इसको भी मैंने ऊपर चढ़ाना है दीवार पे ना, टोरी के ज़रिए। एक ये बेल है और एक ये है, इसको भी हमने ऊपर चढ़ाना है, हमने अलग किया। और इसको, ये तो अलग ही थी। और एक ये करेले की है, देखें करेला होता है ना, तो उसकी वाइन है। ये यहाँ से मैंने सफाई शुरू की थी, ये सारी बेलें ना एक साथ लगी हुई थी। देखें, ये एक फ्लावर निकलता है, ये भी उसकी, इसमें कलियाँ भी निकल रही हैं देखें, और इसमें भी कली है। किधर गई, ये भी देखिए, ये दिख रही है, ये रही एक कली छोटी सी, तो ये है। तो इसको भी ऊपर चढ़ाना है, अभी तो मैंने छोटी छोटे पॉट में लगा दिया इसको, और इसको भी ऊपर चढ़ाएंगे। और ये देखें, सारी सफाई की है। तो यहाँ पे जो है ना, कीड़े मकोड़े तो हैं ही, इंसेक्ट्स तो हैं। और ये देखें, इन सबको अलग अलग पॉट में कटिंग की है, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। ये एमरेस लिली है हमारे पास, तो उसको भी हमने सही किया। मेरी चीज़ें रखी हैं यहाँ पर, और ढूंढती तो नहीं मिलती, यहाँ रख के मैं चली गई देखें, या फिर और मैं ढूंढती तो ना कहीं मिलती थी, अभी देख लिया मैंने तो याद रहेगा। अच्छा जी, और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे कुछ मुझे जो है ना वो थोड़े से इंसेक्ट दिख रहे थे, और यहाँ पे मैंने जाला भी बनाया हुआ है, तो बहरहाल यही होता है। और इसको भी गुडाई किया मैंने, तो गुडाई करने के बाद जो है ना, ये देखें इसको भी किया, यहाँ से सफाई हो गई है। और ये सब जो चीज़ें हैं ना मेरी, ये काम आती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कभी ढकना हो तो कुछ चीज़ को तो ढक सकती हूँ। और ये मैंने खाद रखी हुई अपनी,
पत्तों की घास की खाद जो थी ना वो बनी हुई मेरी, तो मैं अब एक दिन इसको निकाल के ना और मिक्स करूँगी, धूप लगाऊँगी, देखूँगी कितनी हुई कितनी नहीं हुई ना, ये काफ़ी महीनों से रखी हुई है तो बस इस तरह चल रहा है। और ये साइड भी देखें, इस साइड का भी हाल बेहाल हुआ हुआ है, देख रहे, इस साइड का भी हाल बेहाल हुआ हुआ है। जब हम इसे सही कर देंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। इधर भी देखें, ये वाली जो मेरी बेल है इसके पत्ते देखें कितने बड़े हो गए ना, और इसमें भी बहुत तादाद जो है ना फ्लावरिंग दिखें इसमें भी निकलने वाली है, बहुत सारे जो है वो फूलों की कलियां आ रही हैं देखिए। और जब ये बोगनवेलिया के ऊपर चढ़ गया ये तो ऊपर भी जा रही है, देखिए जा रही है, तो उसमें बड़े बड़े फूल निकलते हैं, रात में निकलते हैं और रात के बाद जो है ना फिर सुबह ये बंद हो जाते हैं। तो अभी इसको भी सही करना है एक दिन, यहाँ से सब मिट्टी हमने मंगाई थी, मिट्टी जो है वो बेचारी ऐसी पड़ी है। और ये गमलों में लगाऊंगी भी मैं चीज़ें सारी हटा के ना, इसे हटाना है मुझे भी, तो खुद करें अपने प्लांट्स की लुक आफ्टर, आप खुद करें, देखें प्लांट्स को क्या हो रहा है। ये मेरा जो है ना झुमका पेड़ है और इसमें बहुत प्यारे पिंक कलर के गुच्छों की शक्ल में फ्लावर आते हैं, तो अभी आए थे इसमें बारिश के दरमियान लेकिन अब नहीं है, तो आएंगे इंशाल्लाह। सबको अलग अलग पॉट में मैंने कर दिया है, इसमें भी ये मैंने थोड़े से फ्लावर लगाए थे, खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था, इतना बड़ा पॉट है तो पता नहीं कितने इंच का होगा, ये तो मुझे नहीं पता, अगर आपको लगता है कितने इंच का है तो मुझे बताइए। और ये देखिए सर मैंने रख दिया, तो यहाँ बारिश का पानी भर गया है और ये पानी हम किसी भी प्लांट में डाल देंगे। ये देखिए ये सब को मैं काटती रहती हूँ लेकिन बारिश में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। ये भी प्लांट गिर चुका है मेरा, इसको भी सही करूँगी, तो थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ मैं। तो बहुत शुक्रिया गार्डनिंग लवर्स आपको वॉच करने का, वीडियो वॉच करने का, वहाँ तक जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे वैसे भी डर लगता है कोई कीड़ा ना आ जाए। बहुत शुक्रिया, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे भी अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्रेस भी कर दें ताकि वीडियो और लोगों तक भी पहुँचे, तो लोगों को शौक़ होता है कि जी हम भी रखें ना प्लांट्स, तो प्लांट्स होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, चाहे छोटा सा घर हो एक दो प्लांट ज़रूर रखिए, और अगर बड़ा है तो फिर आप बनाएं प्लांट्स, लोगों को गिफ्ट करें, अपने इलाके में लगाएं और इन्जॉय करें, अपने इलाके को साफ सुथरा हेल्दी रखें, ठीक है। तो ये देखें मकड़ी दिख रही, शायद ही दिख रही हो, फिर एक मकड़ी है ये वाली छोटी सी, तो ये रही ये देखें, ये रही ये रही ये रही ये रही ये देखें, इस तरह जो है ना वो आ गई है मकड़ियाँ। तो ये जो है मकड़ी है, ये पता है क्या मकड़ी है ये, और समझ नहीं आ रहा मैं कैसे दिखाऊँ इसको ना, ये देखें इस पर फोकस नहीं हो पा रहा, तो बस बहरहाल ये अपने चलती हूँ और अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला आपकी भी हर मुश्किल और परेशानियाँ दूर करे सबकी, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।